राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे प्रभु, सबके दिल में इतनी ज्योत जगा दे, सब तेरे नाम का जप तप करे, सबका जीवन धन्य हो जाए, सबका जन्म सफल हो जाए, जैसे मेरा हो गया। कैसी बहू मिली है, इशारे पे नाचती है, पति कैसा मिला है, इशारे पे नाचते। बुढ़ा कहाँ गया, अभी तक आया नहीं। बुढ़ा पूरे दिन घूमता रहते, काम काज का नहीं, न काम का न काज का दुश्मन, अनाज का। तेरी तो भक्ति बहुत सफल हो गई है, तेरे जल समाधि लेना पड़ेगा। अच्छा ये ना, अच्छा ये ना, हरिद्वार में मेरे को जल समाधि मिले, अच्छा ये ना। लेकिन अपनी सोचो, जन्म में भी जगह नहीं मिलेगी। हरि का नाम लो, मैं कितनी भाव भक्ति वाली हूँ। ऐसी माला घुमाने से बेड़ा पार नहीं होता है, तो ये सही होना चाहिए, दिल। मेरा दिल तो अंदर से खुशा भरा हुआ पड़ा है, जैसे मैं कितना भजन करती हूँ, इसलिए तो घर में खुश खुशहाली आ चुकी है। और बीड़ा मत पियो इतना धुआं, क्यों भगवान, कुछ संस्कार नाम की चीज ही नहीं है तुम में। तेरे में बहुत संस्कार है, मैंने देख लिया है। जब से तेरे साथ शादी किया है ना, तब से पता चल गया है मुझे। 50 साल से तेरा संस्कार देख रहा हूँ मैं। मेरे से शादी करके तुम्हारा जन्म सफल हो गया, वरना कहीं सड़े पड़े होते। ये देखो देखो, कैसा कबूतर की पंख जैसा कपड़े पहने। जन्म सफल नहीं हुआ, जन्म पूरा हो गया मेरा। तेरे साथ शादी किया ना, जन्म पूरा तो एक दिन पूरा होना ही था। जो जन्म लेता है ना, उसका जन्म पूरा होता ही है। वो तो कोई मेरे जैसा कोई पुण्यशाली आत्मा होती है ना, उसका जन्म सफल ऐसे होता है कि लोग याद करते हैं, खुश खुशहाली मनाते हैं उसके पीछे। तुम्हारा तो जाने के बाद कोई नाम ही नहीं लेगा। बहो बहो। हामा जी करती रहती है, पानी पिला। ये बूढ़े के साथ बात कर करके गला फट गया मेरा। ये भी काम की न काट के दुश्मन अनाज की, तुम्हारी तरह ही है। तू गलत है, सब सही है घर में। पानी पी। दूसरा काम करो। पूरा दिन मुंह में डाल के बीड़ी ठूसता ही रहता है, और कुछ काम ही नहीं है। तो क्या बीड़ी छोड़ के मैं शराब शुरू करूँ? तो शराब चालू की तो टांगे तोड़ दूंगी। और कुछ चाहिए माजी? थोड़ा जहर ला दे और खिला दे, मैं जाऊँ ऊपर, तुम सब आराम से रहो। तू ऐसे नहीं जाएगी घर छोड़ के। कुदरत की दया है, भगवान की मेहरबानी, इतना अच्छा खेती बाड़ी है, और सब कोई यहाँ बैठता है, कोई यहाँ बैठा, कुछ काम धंधा करो। फसल पक गई है, उसको निकालो, मंडी में जाओ, मैं ये बता रही हूँ। दूसरी जलाई, सब काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं सब। ये लड़का कहाँ गया? लड़का आता ही होगा। आया, हेलो, इधर आ, इधर इधर इधर। क्यों ऐसे की तरह घूमता रहता है, इतना बड़ा पेट लेके इधर उधर इधर उधर कहाँ गया था? गांव में नौटंकी लगी थी कहीं। मेरे साथ नहीं चलना, मगध को अठा नहीं करना। अठा नहीं करना? क्या अठा नहीं करना? गुजरातियों के साथ रहने लगा है, तब से गुजराती बोलना सीख गया है कहीं से। अपनी भाषा छोड़ के गुजराती बोलने लगा। क्या बार बार लड़के को ऐसा बोलती है, बहू को परेशान करती है, क्या सोचा है तूने? मुझे पूछता है कि सोचा क्या है। अच्छा ही सोचा था ना, तब तो देखो ये देखो, शेर जैसा बच्चा हो गया, घर में बहू आ गई, राजपाट हो गया, ये अच्छी सोच की वजह से है। और आज तुम मुझे पूछते हो कि कैसी सोच है, अच्छी सोच है ना, तब तो इस घर में राम राज आ गया है। राम राज क्यों बेटा? और तेरी बहू को कुछ समझा, धीरे धीरे काम करती, मरते काम करती, थोड़ा काम में थोड़ा पाँव चलाए, हाथ पैर चलाए, ऐसा होगा। कोई बात मेरे साथ नहीं करना, मेरे को नहीं रहना है तुम्हारे साथ। क्यों? गुजरात में रहना है, गुजरात तो बहुत अच्छे गुजरात है। देखो देखो, इसके सर पे गुजरात का भूत सवार हो गया, गुजरातियों के साथ रह रहे के पूरा मुआ गुजराती हो गया, बात बात में गुजराती बोलने लगा है। तो गुजराती बोलता है तो तेरे को कुछ परेशानी है? वो बचपन से ही गुजरात में है तो गुजराती बोलता है, उसमें तुझे क्या? क्या खाक बोलेगा, अपनी बीवी को समझाना, कुछ काम ढंग से किया करे। बहू। हाँ माँ जी। क्या झाड़ू कौन तेरा बाप लगाएगा? बेटी है घर में। हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, माँ जी क्या मरेगी इसमें?
प्यार से बोलना, ये घर की बहू है, घर की लक्ष्मी। बुड्ढे को भी प्यार चाहिए। सही बोल रहा है बाबा, बोल रहा है सही बोल रहा है। क्या बाबा बाबा करता रहता है, बूढ़ा बोलते है बाबा। इधर बोलना, गुजरात में तो बाबा बोलते हैं, धोरा लुगड़ा करते हैं तो उसको बाबा ही कहते हैं। सुना, कुछ भी बोले मेरा लड़का है, मुझे तकलीफ नहीं। तेरे बाप को तकलीफ नहीं, गालियाँ भी दे तो भी खा लेगा, दे गाली। ऐसा मगज इन्होंने नहीं हूँ मैं। देखा, तेरे को जवान होना है। अपनी माँ ने, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है, झाड़ू से ये आंगन नहीं साफ करते। वो बड़ा वाला लेना, आंखें फूट गई है, कान तो जैसे किराए पे दे दिया है। इसमें ही खोखा है खाली, इसमें अकल नहीं है। और ये क्या मेरे पीछे पड़ गई है? मोरू जो करे, खरगोश जैसा मुंह करती है। उड़े इधर आने दे, आने दे, ऊपर कचरा डाल दे, मेरे सर पे डाल दे, पोता लगा ले। परेशान मत करो, टक टक नहीं करना। अब तुम लोग जाओ, इधर सुधा घर पे आराम कर। अब जाओ, हमें कुछ काम थोड़ा बहुत करो, पूरे दिन घर में क्या बैठे रहते हो? लेकिन थोड़ी जबान काबू में रख। काबू में रहेगी यार, उस्मान पूरी जिंदगी मैंने निकाल दी, लेकिन बहू नहीं निकालेगी। सबको निकालनी पड़ेगी, यहाँ तो तुम भी वही, ये भी वही, सब वही, निकालनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से घर बार चलेगा। मेरा नाम मत लेना, मेरे को तो मेरे साथ कुछ नहीं है। अब कहा, चलो बीवी आ गई ना, माँ पढ़ाई हो गई, बीवी जो आ गई है। चलो मैं जा रहा हूँ, कुछ लेना है। हाँ, फिर बोलेगी बूटा वापस आ गया। सब्जी लेके आना, बैंगन ले लेना, थोड़ा गोभी ले लेना, और आलू, आलू खत्म, आलू तो मंगवा ले, थोड़ा सोना चांदी भी मंगवा ले। आलू, आलू खा खा के तो आलू जैसी हो गई है, आलू खाना है। बैंगन से सस्ता है आलू, तुझे बैंगन खाना है ना, तेरे लिए बैंगन लेके आऊंगा। बात नहीं, चले जाओ। तुझे कुछ खाना है? नहीं, खाता तो हूँ मैं उसका। इडली सांभर नहीं खाना है, चले जाओ। और मेरे लिए थोड़ा फ्रूट लेके आना, अभी दुबली पतली हो गई हूँ। रखा है मोनोकोटो का बाटला, अभी बूटी हो गई और फ्रूट खाना है। इतनी बात के लिए बूटा वापिस आया, खुश सर कहीं। हे भगवान, ये कैसी माँ है, पूरा दिन चिल्ला रही है। सुनो जी, इधर आइए। माँ जी मुझे पूरा दिन परेशान करती है, पूरा दिन बैठती रहती है, मैं घर का सब काम करती हूँ तो भी वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। मेरी माँ को भी गाली देती है, मेरे बाप को भी गाली देती है। अब कुछ रास्ता निकालो। कोई बात नहीं, थोड़ा दिन सहन कर लो, बाद में आप दोनों चले जाएंगे। रोना मत, मैं हूं ना, नहीं रोना। कौन मर गया घर में, ये रो रही है, उसके मायके से कोई मर गया क्या? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो क्या रोना धोना चल रहा है, क्या क्या हो रहा, क्या क्या हो रहा? कोई बात नहीं, सो हो क्या रहा है घर में, लड़के को क्या उपसा रही है? इधर आ, इधर आ। ऐसे ही हम बात कर रहे थे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मेरे बेटे को उपसा रही है तू? माँ जी ये करती है, माँ जी वो करती है, माँ जी क्या तूने मार डाला, तेरे को मार डाला तुझे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। कुछ नहीं बोला, सब सुन रही थी, मैं कोई बेरी नहीं हूँ। मम्मी ये करती है, माँ जी ये करती है, गरीब माँ बाप की बच्ची हूँ, ये है वो है, परसों भी बोल रही थी। तेरा बाप सही बोल रही है, तेरा माँ बाप गरीब है, उसमें मेरी गलती नहीं है, उन लोगों की गलती है। ये गरीब ने मेरे पल्ले उस मेरी झोली में वो ये भीख मांगी डाल दी कहीं की। पर माँ जी मैं दहेज लेके नहीं आई, इसलिए आप ऐसा बोलते हो। दहेज लेके नहीं आई है तो क्या हुआ, फिर भी मैं आती हूँ कि मैंने तुझे स्वीकार लिया मेरे घर में। एक एक जो कपड़ा लेके आई है, कुछ लेके नहीं आई है, फिर भी जुबान चलाती है कि नाटक ड्रामा बंद कर दे तेरा, वरना मार मार के तेरे को जला दूंगी। अंदर जा तू, अंदर जा जा। तू मेरे सामने आंख निकालेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा लड़का कोई बात नहीं, पूरा दिन मेरी
दो कोड़ी की कल से आई हुई मेरे सामने चिल्लाती रहती है। देखिए बुड्ढा, पूरा गांव में घूम के आया बड़ाइया करके, ये कल आई हुई लड़की मेरे सामने जुबान चला रही है, लड़के को उपसा रही है। क्या हुआ ये सब हो गया? आज मेरे लड़के ने मेरे सामने आंखें निकाली, मेरे सामने चिल्लाया। तेरे सामने आंखें निकाली और मेरे को मारने दौड़ा। तेरा काम सब गलत होगा, वो लड़का तो सही है, अब भी सही है। कुछ भी होता है मैं ही गलत हो जाती हूँ, कुछ भी होता है मैं ही गलत हो जाती हूँ। इतना सबको परेशान मत कर, तुझे भुगतना पड़ेगा। ना सब यही बोलते, भुगतना पड़ेगा, भुगत तो तुम सब भुगतोगे। जैसे करनी मेरी आय लगेगी सबको, वो तो देखते हैं, सब लोग देखेंगे किसको भुगतना पड़ेगा। मैं कितनी पुण्यशाली आत्मा हूँ, कितनी भावभक्ति वाली हूँ, मैं कितनी भोली हूँ, फिर भी सब मेरे पे चिल्लाते हो ना, सब भुगतोगे। मेरी हाय लगेगी, सबको मेरी हाय लगेगी। तो सही लगती है, एकदम सही है। मैं सही हूँ, पूरा घर सर पे लेके बैठ गई है। चिल्लाओ मत, सोने दो मुझे। हे भगवान, ये बूढ़ी ने तो सबका जीना आराम कर दिया है। मैं जा रहा हूँ गांव के, और कुछ नहीं बोलना बूढ़ी के साथ। चल दिया ना वापिस। महू, हाँ माझी। महू, हाँ माझी। कहाँ मर गई? ये पाँव दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है पाँव में, हाथ में सूजन आ गई है, छाती में दर्द हो रहा है, बा सर फटा जा रहा, धीरे धीरे दबा कर, मुई मार डालेगी क्या? मैं कोई भैंस नहीं हूँ, औरत हूँ, इंसान हूँ, इंसानों की तरह दबा, धीरे धीरे बहला के फुसला के दबा कर, मुई मार डालेगी क्या? इधर 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 उधर क्या दबा रही है? हाँ मार डालेगी, ये तो दया जैसी चीज ही नहीं है इसके अंदर। गला दबा दे, मेरा गला दबा दे, कल मुई कही की धीरे धीरे दबा दे, मर जाऊंगी मैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ धनसुख भंडारी उर्फी जुड़ी। हम आपकी समक्ष एक कॉमेडी वीडियोस लेके आए, जो ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारी जो जी सीरीज नाम की जो चैनल है उस जी सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंचाल राजेंद्र, और ये कॉमेडी वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे जी सीरीज चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं हूँ कृष्णा बिस, और हमारा ये वीडियो जो आपको पसंद आया हो तो हमारी ये जी सीरीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो मित्रों, मैं हूँ भावेश बगड़, जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो में कॉमेडी के साथ
कुछ समझने लायक बताया भी गया है कि जैसी करनी है वैसी बननी है। सास है वो बहू को बहुत परेशान करती है, तो आखिर में सास की हालत हुई है तो बहू भी खुश होती है ना। तो जिंदगी में काम ऐसा कर जाए कि हमारे जाने के पीछे दो आंसू कोई बहाए, हमारे जाने के पीछे कोई पछतावा करे, कोई अफसोस करे, ऐसा जिंदगी जीना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।